ये सेशन जो है सीआरपीसी का, आज के दोनों ही जो सेशन होने वाले हैं थोड़े से इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट इन द सेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से कहानी पता होना जरूरी है. ईच एंड एवरी सेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, जो क्रूशियल सेक्शंस हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा कि किस किस पे ज्यादा ध्यान देना है. बट हाँ, जो ओवरऑल स्टोरीज निकल के आएगी इन सारे प्रोविजन से वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी. बच्चे मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है हमारे सीआरपीसी का, जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करता है. तो इसकी शुरुआत होगी हमारे सेक्शन 129 से लेके, और ये लंबा है, इसमें काफी चीजें हैं, काफी बातें आएंगी और वो सेक्शन 148 तक चलेगा. पर आज का जो हमारा एजेंडा है स्पेसिफिकली इस क्लास का और नेक्स्ट क्लास का मैं बताऊं तो हम लोग सेक्शन 129 से शुरू करने वाले हैं और सेक्शन 144 तक जाने वाले हैं. ये सारे सेक्शंस हम इस क्लास में और नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और लास्ट में हम एंड करेंगे सेक्शन 144 के ऊपर. एक इंपॉर्टेंट केस है, एक ऐसा केस जहां पर हम देखेंगे कि जब लड़ाई होगी सीआरपीसी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो क्लासेस हमने कल ली उनकी लड़ाई होगी आज के क्लासेस से, तो कौन जीतेगा, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है. तो एक हम ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस पढ़ेंगे. तो इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लो. देखो, ये जो पूरा ही चैप्टर है यहां पर कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आईपीसी में अभी ही हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी. याद होगा आपको अनलॉफुल असेंबली, वो जो सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे. तो देखो कितना अच्छा हमारा एक पैटर्न चल रहा है कि जिस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती, जो भी कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत पड़ती इस चैप्टर को समझने के लिए, वो अभी ही हमने आईपीसी की लास्ट क्लास में कवर अप की है. तो वो हमको नो डाउट हेल्प करेगा. तो जो सेक्शन 129 से लेके 132 है, ये चारों के चारों सेक्शन दे आर अबाउट अनलॉफुल असेंबली. पर यहाँ पे बच्चे अनलॉफुल असेंबली का सब्सटैंटिव लॉ नहीं बता रहे, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे, वो तो हमने आईपीसी में पढ़ लिया. यहां उसके बारे में प्रोसीजर क्या है, पावर्स क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे. मतलब फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल, जो जिसका काम है उसको कंट्रोल करना. फिर 133 से कहानी शुरू होती है पब्लिक न्यूसेंस की. पब्लिक न्यूसेंस एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, एक तो इसका कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है जानना, और साथ ही साथ ये अलग अलग सेगमेंट्स में हमारे सामने आता रहेगा, बार बार आएगा. तो इसका मतलब भी समझेंगे और इसके बारे में प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसीजर है, वो भी समझेंगे. और 144 की इंपॉर्टेंस तो आप सभी को पता है, आपने सुना ही होगा, तो उसको भी आज एड्रेस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. पर हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ सेक्शंस तो नॉर्मल है, एक पैरा का होगा, दो पैरा के होंगे, पर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं बच्चे जो ओवर्टली लेंथी हैं. ओवर्टली लेंथी मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ही सेक्शन 7-8 स्लाइड तक चल रहा है. तो आप बिल्कुल हिम्मत मत खोइएगा, और बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप 7-8 की 7-8 स्लाइडें याद रखें या अपने नोट्स में लिखें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. बस ये जरूरी है कि आप उसकी हर एक बात को जो मैं आपको बता रहा हूं उसको समझ लें. अगर इतना आप करेंगे तो उतना काफी होगा आपके लिए, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी. तो आज की क्लास में कुछ सेक्शंस में खासकर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. पर हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते चलें, और जिसकी तरफ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ स्पेसिफिकली कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको अपने नोट्स में जरूर लिखा लें. अदरवाइज अगर स्टोरी यहाँ पे जा रही है, कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है, आप इस चैप्टर को पार कर लोगे. ठीक है, करते हैं बच्चे शुरुआत. जो हमारा पहला ही सेक्शन है वो है सेक्शन 129. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आने वाले चार सेक्शन है वो कहीं ना कहीं असेंबली, अनलॉफुल असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में बातें करेंगे, वही बात जो आईपीसी में हमने पढ़ी है. तो यहाँ पे जो सेक्शन 129 है वो बात करता है असेंबली के डिस्पर्सल की. किसकी? असेंबली के डिस्पर्सल की. पर कैसे, क्या तरीका बता रहा है? सिविल फोर्स. सिविल फोर्स के इस्तेमाल से कब असेंबली का कैसे डिस्पर्सल किया जाएगा. तो यहां पर एक बात पे खासा ध्यान देना कि ये जो सेक्शंस हैं वो पावर्स दे किसको रहे हैं. ध्यान से देखिएगा, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ध्यान से देखिएगा, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, या फिर अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसका पद सब इंस्पेक्टर से नीचा नहीं होना चाहिए, तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोई भी थाना इंचार्ज, और थाना इंचार्ज की गैर मौजूदगी में कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर तक के पद का है,
वो चाहे तो कमांड कर सकते हैं। क्या कमांड कर सकते हैं? किसी भी अनलॉफुल असेंबली को, ध्यान से देखिएगा, किसी भी अनलॉफुल असेंबली को, अनलॉफुल असेंबली मतलब सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी, अगर उसके वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो कमांड कर सकते हैं किसी भी अनलॉफुल असेंबली को, या फिर किसी भी असेंबली को जिसमें पांच या पांच से ज्यादा लोग हैं जो कॉज कर सकते हैं डिस्टरबेंस, किसको? पब्लिक पीस को। और क्या कमांड करेंगे? कि वो डिसबर्स करें। डिसबर्स करें मतलब तितर बितर हो जाए, हट जाए। और उसके बाद देखिए कॉन्सिक्वेंस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ड्यूटी होगी उस असेंबली के मेंबर्स की कि उनको डिस्पर्स होना ही होगा। ठीक है? तो कहने का मतलब है यहां पर हमारे इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 129 के अंदर पावर दे रहे हैं हम लोग अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को, हमारे थाना इंचार्ज को, उसके एब्सेंस में किसी भी पुलिस ऑफिसर को जिसकी पोस्ट सब इंस्पेक्टर यहां से ऊंची है, कि वो किसी भी अनलॉफुल असेंबली को या फिर किसी भी असेंबली को, जो भले ही अनलॉफुल की डेफिनेशन में ना गिर रही हो अंडर सेक्शन 141, अगर ये डर है कि वो असेंबली जो है कुछ भी ऐसा कर सकती है जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो, तो ऐसी असेंबली को ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ये पुलिस ऑफिसर कमांड कर सकते हैं कि वो डिसबर्स हो जाए। और एक बार जब कमांड आ गई ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या पुलिस ऑफिसर से, तो जिम्मेदारी होगी इस असेंबली की कि वो उनको डिसबर्स होना ही होगा। पर अगर अगर कमांड देने के बावजूद ये जो असेंबली है वो डिसबर्स नहीं होती है, या फिर कमांड नहीं दी गई है पर ये जो असेंबली है वो इस तरीके से व्यवहार कर रही है जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो डिसबर्स होने नहीं वाले, मतलब दो परिस्थितियां, किसी ए पहली परिस्थिति जिसमें कमांड दी गई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, पर उसको अनसुना कर दिया गया, या फिर कमांड नहीं दी गई पर जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जैसा उनका रिएक्शन है इन मेंबर्स का, साफ देख के पता चल रहा है कि कमांड देने से कोई फायदा होने नहीं वाला है, ये लोग अलग होने नहीं वाले हैं, उनका ऐसा व्यवहार है। अगर ऐसी स्थिति हो जाए दोनों में से कोई भी, तो ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर ये जो पुलिस ऑफिसर है वो प्रोसीड कर सकता है उस असेंबली को डिसबर्स करने के लिए तागत का इस्तेमाल करके। क्या इस्तेमाल करके? तागत का इस्तेमाल करके, मतलब अगर कमांड किया गया और आप नहीं हटे, या फिर आपको देख के लग रहा है कि आप हटने नहीं वाले, तो आप पे तागत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा। और इतना ही नहीं, ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और पुलिस ऑफिसर है वो चाहे तो किसी भी पुरुष व्यक्ति की मदद भी ले सकता है इस डिसबर्सल को कराने के लिए। ठीक है? पर ये जो व्यक्ति है जिसकी मदद ले रहे हैं वो आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर नहीं होना चाहिए। इस बात को अभी इग्नोर करो, अभी ये आगे पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये जो हमारा पुलिस ऑफिसर है, वो किसी आम इंसान की, आम पुरुष की भी सहायता ले सकता है उस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। और अगर जरूरी पड़े तो वो अरेस्ट भी कर सकते हैं, कन्फाइन भी कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो इस असेंबली का पार्ट है, जिससे कि उनको डिस्बर्स किया जा सके या फिर उनको सजाई सजा दिलाई जा सके, जो भी उनकी बनती है, जो भी उन्होंने हरकतें की उसके अनुसार। तो कहने का मतलब है जो हमारा सेक्शन 129 है उसके दो फेजेस हैं, फेज वन एंड फेज टू। फेज वन ऐसी सिचुएशन में अराइज होता है जहां पर कोई भी अनलॉफुल असेंबली या फिर कोई भी असेंबली जिसको देख के लग रहा है कि वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर सकती है, उसके बारे में हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर जिसकी पोस्ट सब इंस्पेक्टर से ऊपर है या फिर थाना इंचार्ज ऑर्डर जारी कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं कि वो लोग तितर बितर हो जाए, डिसबर्स हो जाए। दिस इज फेज वन, वार्निंग। देन कम्स फेज टू। अगर ऐसा हुआ है कि कमांड देने के बावजूद ये असेंबली डिसबर्स नहीं होती है, या फिर उनको देख के, उनके रिएक्शंस को, उनके हरकतों को देख के लग रहा है कि कमांड देने का फायदा नहीं होगा, ये डिसबर्स नहीं होने वाले, तो
तो ऐसी स्थिति में ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ये पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ सकते हैं और ऐसी असेंबली के खिलाफ, उनके मेंबर्स के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ताकत का इस्तेमाल उन लोगों को डिस्पर्स करने के लिए ही होगा। और इसके लिए ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ये जो पुलिस ऑफिसर है, ये किसी भी मेल पर्सन की, पुरुष व्यक्ति की सहायता भी ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। ना केवल इतना, उनको ताकत का इस्तेमाल करके डिस्पर्स तो करेंगे ही अनलॉफुल असेंबली के लोगों को, पर उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, कन्फाइन भी किया जा सकता है, जिससे कि वो दोबारा वो ऐसी हरकत ना करें, और जो भी उनकी सजा बनती है, जो भी उन्होंने कुछ किया, उसके लिए उनको सजा दिलवाई जा सके। तो इट इंक्लूड्स द पावर टू अरेस्ट ऑल्सो। अब मुझे बता दो फटाफट से बच्चे, सेक्शन 129 क्लियर है? यस बोलेंगे सभी लोग, यस समाझ सर, यस आ गया। सर, चल, यस सर, डिस्बर्समेंट मतलब बच्चे अलग करना। अब जैसे इकट्ठे खड़े हैं 10-11 लोग, आप अलग अलग हो जाओ, हट जाओ, सब लोग ऐसे ही करते हैं ना पुलिस, हटो हटो, वैसे ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है बच्चे सेक्शन 130, और सेक्शन 130 जो है स्पेसिफिक, अब देख रहे हो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा बच्चे। जो सेकंड है, जो हमारा सेक्शन 130 है, वो बात करता है आर्म्ड फोर्सेस की। आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, किसी भी असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। यहां पे क्या लिखा गया है, अगर ये कोई जो असेंबली है उसको डिस्पर्स नहीं किया जा सका है, इन सारी कोशिशों के बावजूद उसको डिस्पर्स नहीं किया जा सका, और ऐसा जरूरी लग रहा है कि पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि ये असेंबली डिस्पर्स हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो भी हाईएस्ट रैंक का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल होगा, उसके पास पावर होगी कि वो उस असेंबली को डिस्पर्स करवा सकेगा आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। किसके द्वारा? आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। तो कहने का मतलब, दो फेजेस हमने वहां पढ़ लिए सेक्शन 129 के अंदर, ये थर्ड लेवल है। अगर किसी भी वजह से, उन सारी कोशिशों के बावजूद जिनको हमने 129 के अंदर पढ़ा, किसी अनलॉफुल असेंबली को डिसबर्स नहीं किया जा सका, और जैसी परिस्थिति बनी हुई है उसको देख के लग रहा है कि इस अनलॉफुल असेंबली को, इस असेंबली को डिसबर्स करना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि ये सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू बन गई है, एक डेंजर बन गई है, तो ऐसी सिचुएशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो, उसे जरूरी लगता है तो, वो आर्म्ड फोर्सेस तक की मदद ले सकता है उस असेंबली को डिस्पर्स कराने के लिए, ठीक है। पर ये जो पावर दी गई है आर्म्ड फोर्सेस वाली, ये पुलिस ऑफिसर्स को नहीं दी गई है, ये केवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी गई है, और हर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नहीं, किसी भी परिस्थिति में वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हाईएस्ट रैंक का अवेलेबल है। बताया नहीं गया कि कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा, या और कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, बताया नहीं गया। उस परिस्थिति में, उस जगह पर कौन सा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल है जो हाईएस्ट रैंक का है, उसके पास ये पावर रहेगी कि वो आर्म्ड फोर्सेस की मदद ले सकता है, ठीक है। और ये जो मजिस्ट्रेट है वो रिक्वायर कर सकता है कि ये जो ऑफिसर, कोई जो ऑफिसर है जो किसी भी ऐसे ग्रुप को जो आर्म्ड फोर्सेस को बिलोंग करता है, वो बटालियन वगैरह होते हैं ना, जो उनके ग्रुप्स होते हैं, उनका जो भी लीडर है, उसको बोल सकता है कि आप इस असेंबली को डिसबर्स करो अपने उन सिपाहियों की मदद से, और अगर आप चाहो और आपको जरूरी लगे तो आप अरेस्ट भी कर सकते हो, कन्फाइन भी कर सकते हैं ऐसे लोगों का जो उस असेंबली का पार्ट है, जिनको मरेस्ट जो जिनको मजिस्ट्रेट हमारा अरेस्ट करवाना चाहता है, ठीक है। और कहने का मतलब है वही वाली बात जो हमने सेक्शन 129 के अंदर पढ़ी थी, कि हम असेंबली को डिसबर्स भी कर सकते थे फोर्स का इस्तेमाल करके, और लोगों को अरेस्ट भी कर सकते थे जिससे वो असेंबली का पार्ट ना रह सके और उनको सजा मिल सके। तो वही पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो उस बटालियन के लीडर को दे देगा कि आपको मैं ये पावर देता हूं कि आप अपने सिपाहियों की मदद से, अपने ऑफिसर्स की मदद से इस असेंबली को डिस्पर्स करो और उन सब लोगों को अरेस्ट करो जो उस असेंबली का पार्ट हैं, जो भी ऐसा कुछ थ्रेट दे रहे हैं, और जिनको पनिशमेंट दिलवाना जरूरी है उनके हरकतों के लिए। तो द सेम पावर जो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास थी अंडर सेक्शन 129, वो सेम पावर
एक हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लीडर को दे रहा है जिससे वो अपना काम अच्छे से कर सके, ठीक है। और हमारा जो सबसेक्शन थ्री है वो किसके बारे में है, उसी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर के बारे में, लीडर के बारे में, जिसको ये एक बात की गई है। जैसे ही उसको ये डायरेक्शन दी जाएगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो उसको ओबे करेगा जैसे भी उसे ठीक लगता है, ठीक है। पर ये जो आर्म्ड फोर्सेस का लीडर है वो इस बात का ध्यान रखेगा कि जब वो ताकत का इस्तेमाल करेगा इस अनलॉफुल असेंबली को या असेंबली को डिस्वर्स करने के लिए, वो उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करेगा जितनी ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम ब्रूटल ही हो जाए, और कोशिश करेगा कि लोगों को, भले ही वो लॉफुल असेंबली का पार्ट हो या फिर प्रॉपर्टी को, कम से कम चोट पहुंचे। कहने का मतलब है ताकत आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर ताकत उतनी ही इस्तेमाल करो जितनी जरूरी है, उतना ही नुकसान पहुंचाओ लोगों को और प्रॉपर्टी को जितना उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्बर्स करने के लिए जरूरी हो। तो जहां तक बात बच्चे हमारे सेक्शन 130 की है, यहां पे हम किस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट को। और बोला जा रहा है कि अगर 129 के इस्तेमाल से किसी भी अनलॉफुल असेंबली को डिस्बर्स नहीं किया जा सका और वो आज भी थ्रेट बनी हुई है पब्लिक पीस के लिए, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए, तो वहां पर जो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो आर्म्ड फोर्सेस की भी मदद ले सकता है, और जो भी लीडर है किसी आर्म्ड फोर्स का, किसी बटालियन का, उसको ये पावर दे सकता है कि वो किसी भी अनलॉफुल असेंबली को ना केवल डिस्पर्स करे ताकत का इस्तेमाल करके, पर वो लोगों को अरेस्ट भी करे जिससे वो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट ना रह सके और उनको सजा दिलवाई जा सके। पर ये भी जिम्मेदारी है उस लीडर की, उस बटालियन के लीडर की, उस ग्रुप के लीडर की, कि जब भी वो ताकत का इस्तेमाल करेगा किसी भी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, उतनी ही ताकत इस्तेमाल करेगा जितनी की जरूरी होगी उसको डिस्पर्स करने के लिए, और लोगों को कम से कम और प्रॉपर्टी को कम से कम चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा अपनी तरफ से, ठीक है। सो सेक्शन 130 इक्वल टू आर्म्ड फोर्सेस, क्लियर है बच्चे सभी लोगों को? 130 यस बोल देंगे सभी लोग? यस सर, ठीक है। अगला जो सेक्शन है बच्चे वो है हमारा सेक्शन 131। यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं किसकी, आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर्स की, डिस्पर्स करने के लिए असेंबली को। अब हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाली बात पढ़ ली कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पास ऑन कर सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटी को आर्म्ड फोर्सेस पर। अब क्या होगा जब जो पब्लिक सिक्योरिटी है वो मैनिफेस्टली एंडेंजर है, मतलब देख रहे हो हर एक सेक्शन के साथ सिचुएशन की सीरियसनेस बढ़ती जा रही है, किसी भी असेंबली की वजह से जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है, स्पष्ट रूप से खतरा दिख रहा है सार्वजनिक सुरक्षा को, और स्थिति ऐसी है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, बात नहीं हो पा रही है ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, क्योंकि हमारे सेक्शन 130 ने तो पावर तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ही दी है, क्योंकि वही ऑर्डर देगा, वही बोलेगा। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है और स्थिति बहुत खराब है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर है, जो एक गैजेटेड ऑफिसर है, कमीशन्ड ऑफिसर है, मतलब एक अच्छा पोस्ट पे, अच्छी रैंक पे है, इसके पास पावर होगी कि वो उस असेंबली को डिस्बर्स कर सकता है उन सिपाहियों के साथ, उन ऑफिसर्स के साथ जो उसके कमांड के अंदर आते हैं, और जरूरत पड़ने पर अरेस्ट भी कर सकता है, कन्फाइन भी कर सकता है ऐसे लोगों को जो उस असेंबली का पार्ट थे, जिससे कि वो अनलॉफुल असेंबली को डिस्बर्स किया जा सके और उन लोगों को कानून के अनुसार सजा दिलवाई जा सके। तो मतलब अगर कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल ना हो या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बात ना हो पा रही हो, तो सीधे सीधे आर्म्ड फोर्सेस का भी लीडर एक्शन ले सकता है और हर वो चीज कर सकता है जिसकी पावर सेक्शन 130 के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको दे रहा था। तो अपने आप में भी आर्म्ड फोर्सेस सक्षम है, पर हाँ वो तभी होगा जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बात नहीं हो पा रही होगी, और साथ ही साथ जब वो जो मिलिट्री ऑफिसर है, जब वो ऐसा काम कर रहा है, जब वो असेंबली को डिस्बर्स कर रहा है, अगर उसके चलते चलते ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बात हो पा रही है, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कमांड में आ गया है, वो अवेलेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही लीडरशिप करेगा उस चीज की, और वो जो मिलिट्री का ऑफिसर है जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको फॉलो करेगा, और उसी हिसाब से जैसा वो सेक्शन 130 के अंदर कर रहा था उसी हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब है जो सेक्शन 131 है वो एक ऐसा सिनेरियो प्रेजेंट करता है जहां पर जब एक्शन लेना है, जब इमीडिएटली एक्शन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि सिक्योरिटी को बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में पावर दे दी गई है उस लीडर को, आर्मी ऑफिसर के, कि वो एक्शन ले सकता है। पर एक्शन लेते लेते अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल हो जाता है तो फिर से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही कंट्रोल में आ जाएगा और उसी की इंस्ट्रक्शन के अनुसार फॉलो करता हुआ वो आर्मी ऑफिसर अपनी बटालियन के साथ वो सारी चीजें करेगा जिनको भी करना जरूरी है। क्लियर है बच्चे सेक्शन 131? यस बोल देंगे सभी लोग। और वो पावर दे रहा है उसको, किसको? आर्म्ड फोर्सेस को। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो आर्म्ड फोर्सेस अपनी तरफ से एक्शन ले रही है क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया। सो दिस इज द एसेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ अगले सेक्शन पे, और ये जो हमारा आखिरी सेक्शन है इस चीज के बारे में वो बात करता है प्रोटेक्शन की। किससे प्रोटेक्शन? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चे, इसको ध्यान से देखना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शंस। प्रीसीडिंग सेक्शंस मतलब वो सारी चीजें जो सेक्शन 129 से लेके 131 तक करी गई। कोई भी किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो सेक्शन 129, 130 या 131 के अंदर एक्ट कर रहा है इंस्टीट्यूट नहीं करी जाएंगी किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। कहने का मतलब है कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो एक्शन ले रहा है सेक्शन 129 के अंदर, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई भी आर्मी ऑफिसर जो एक्शन ले रहा है अंडर सेक्शन 130 के अंदर, कोई भी आर्मी ऑफिसर जो एक्शन ले रहा है अंडर सेक्शन 131 के अंदर, वो जो भी कुछ करते हैं किसी भी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने में, उसको अपराध नहीं माना जा सकता। वो लोग प्रोटेक्टेड हैं अपने हर एक कृत्य के लिए जो वो कर रहे हैं उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ किसी भी तरीके के क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगा सकता है किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। तो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है, संरक्षण दिया गया है इन सारे लोगों को जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडर सेक्शन 129 to 131। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। पहली परिस्थिति कि अगर एक्शन लिया जा रहा है और वो एक्शन जो है किसी ऑफिसर या किसी मेंबर के खिलाफ है, आर्म्ड फोर्सेस के, मतलब आर्म्ड फोर्सेस के किसी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेना है तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करेगा तो ही आप किसी भी आर्मी ऑफिसर के खिलाफ जिसने कुछ भी किया होगा अंडर सेक्शन 130 या 131 आप केस फाइल कर सकोगे विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार की परमिशन के बिना आप किसी भी आर्मी ऑफिसर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। तो पहली सिचुएशन ये। दूसरी सिचुएशन, अगर कोई और व्यक्ति है, और व्यक्ति मतलब कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या कोई भी पुरुष व्यक्ति है जिसकी सहायता ली गई थी उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा उस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, अगर ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ आप क्रिमिनल केस फाइल करना चाह रहे हो उस चीज के लिए जो भी उसने किया उस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, तो आपको सेंक्शन लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का। और जब तक स्टेट गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हो उन चीजों के लिए जो उन्होंने की अंडर सेक्शन 130 या 131, तो परमिशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर किसी और व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हो जो भी उन लोगों ने की
अंडर सेक्शन 129 या 130, तो उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। जब तक ये लोग परमिशन नहीं देंगे तब तक किसी भी तरीके का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या हमने समझी कि जनरल प्रोटेक्शन दी गई है सभी लोगों को जो एक्शंस ले रहे हैं अंडर सेक्शन 129, 130 एंड 131, और अगर एक्शन लेना भी है तो आपको आर्म फोर्सेस की खिलाफ लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, बाकी लोगों के खिलाफ लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। पर ये कहानी पूरी नहीं हुई। फिर आता है सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 2 एक बड़ा बढ़िया सिनेरियो बताता है, एक नहीं कुछ सिनेरियो अच्छे बताता है। ये कहता है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 129, 30 या 131 के अंदर एक्ट कर रहा है गुड फेथ में। अब देख रहे हो ये शब्द बड़े समय से हम लोग इसको मिस कर रहे थे, पहले बार बार आता था ना जब हम आईपीसी पढ़ते थे, डिफेंसेस पढ़ते थे, जनरल डिफेंसेस पढ़ते थे, गुड फेथ गुड फेथ गुड फेथ, देखो वापस आ गया। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो पावर एक्सरसाइज कर रहा था, चाहे वो 129 के अंदर हो, 130 के अंदर हो, चाहे 131 के अंदर हो, पर वो पावर को गुड फेथ में अच्छी एक्सरसाइज कर रहा था, अच्छी भावना सद्भावना के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन कोई भी ऐसी चीज कर रहा था फिर से गुड फेथ के अंदर, जहां पर उससे रिक्वेस्ट की गई थी, उसकी सहायता मांगी गई थी सेक्शन 129 या 130 के अंदर, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे मदद मांगी गई थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा या पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि वो मदद करे असेंबली को डिसबर्स करने में, उस व्यक्ति ने जो भी कुछ किया होगा गुड फेथ के अंदर, या फिर कोई भी ऑफिसर है जो आर्म्ड फोर्सेस का है जो 131 के अंदर एक्ट कर रहा है जहां पे उनको लिबर्टी दी गई थी, अगर उसने जो भी कुछ किया वो गुड फेथ में किया, या फिर कोई भी मेंबर है जो आर्म्ड फोर्सेस का है, उसने कोई भी ऐसा एक्ट किया जिसका ओबीडियंस करना जरूरी था, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसको ऑर्डर दिया और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर फॉलो करते हुए आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर ने वो सारी चीजें की क्योंकि वो उस चीज से बाध्य थे, ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 131 में। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये मान के चलेंगे कि ये सारे लोग, ये चारों कैटेगरीज, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, वो जो भी कुछ करते हैं गुड फेथ में, वो सारे लोग जिनकी सहायता मांगी जाती है वो जो भी कुछ करते हैं गुड फेथ में, वो सारे आर्म फोर्सेस के मेंबर्स वो जो भी कुछ करते हैं गुड फेथ में, वो सारे के लोग जो आर्म फोर्सेस में हैं जो वो जो भी कुछ करते हैं ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, वो कुछ भी करें अगर वो सारी चीजें गुड फेथ के अंदर करी जा रही हैं, सद्भावना के साथ करी जा रही हैं, किसी के खिलाफ कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, वो केवल अपना काम कर रहे हैं, अपना एम अचीव कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का, तो उनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब उन्होंने कुछ भी किया हो उसको हम ऑफेंस कंसिडर नहीं करेंगे। अगर उनके हाथों किसी व्यक्ति की हत्या ही क्यों ना हो जाए, किसी व्यक्ति को कितनी भी भयानक चोट क्यों ना पहुंच जाए, हम उसको अपराध नहीं मानेंगे। पर आप देख रहे हो सारी की सारी जगह, सारे के सारे लोग जिनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम, सब जगह ये रिक्वायरमेंट है कि वो जो भी कुछ कर रहे हो गुड फेथ के अंदर कर रहे हो। कुछ भी अगर ऐसा एविडेंस सामने निकल के आया कि किसी व्यक्ति ने जान पूछ के या कोई दुश्मनी निकालने के लिए या किसी अटीरियर मोटिव के साथ किसी को चोट पहुंचाई है, तो उसको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन 132 है उसके दो पार्ट हमने अभी तक पढ़ लिए, जिसमें पहले पार्ट के अंदर जनरल प्रोटेक्शन दी गई और बोला गया है कि अगर इनिशिएट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट पर गवर्नमेंट की परमिशन लो। सेकंड पार्ट के अंदर गुड फेथ के आधार पर इन लोगों को बोला गया कि ये जो भी कुछ करते हैं हम उसको अपराध नहीं मानेंगे। फिर आता है हमारा सबसेक्शन 3, और इस सेक्शन के अंदर बोला जाता है कि इस सेक्शन के अंदर या फिर पिछले जो भी सेक्शन हमने पढ़े अभी तक, मतलब 129, 130, 131, ये जो एक्सप्रेशन है आर्म्ड फोर्सेस, इसमें इंक्लूड होती है हमारी मिलिट्री, हमारी फौज, हमारी नेवल फोर्सेस, हमारी एयर फोर्सेस, ये सारे लोग इंक्लूड होते हैं, साथ के साथ कोई भी आर्म्ड फोर्सेस जो यूनियन के अंदर आती है, यूनियन के अंदर आती है मतलब सेंट्रल फोर्सेस जो भी है वो सारी की सारी
इसी डेफिनेशन में गिरती हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, तो ये सारे लोग आर्म्ड फोर्सेस की डेफिनेशन के अंदर गिरते हैं। ऑफिसर का मतलब वही है कि ऑफिसर जो लोग कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इन सारे लोगों को हमने ये पावर दी गई है। आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर का मतलब है जो कमीशन्ड नहीं है, जो इस कैटेगरी है, इन सबको इग्नोर करो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही ऑफिसर की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है, ना ही मेंबर की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है। तो एक बार फटाफट से सेक्शन 132 कंक्लूड कर देता हूं और इसी के साथ हमारी ये जो अनलॉफुल असेंबली या असेंबली वाली बात थी वो खत्म हो जाती है, उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट। देखो 132 का पर्पस ये है कि ये जो सारे लोग जो एक्शंस ले रहे हैं अंडर सेक्शन 129, अंडर सेक्शन 130 या 131, उनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन दिलानी है, और यही काम हमारा सेक्शन 132 का सबसेक्शन 1 करता है। वो कहता है कि हर एक वो व्यक्ति जो कोई भी एक्शन ले रहा है इन सेक्शंस में से किसी के भी अंदर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी मेल पुरुष हो या आर्मी ऑफिसर हो, वो सभी लोग पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। और अगर ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करना है, अगर वो आर्म्ड फोर्सेस हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, अगर वो बाकी के लोग हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। फिर आता है सबसेक्शन 2 जो बोलता है कि ये लोग, ये चारों कैटेगरी के लोग कुछ भी करें अंडर सेक्शन 129, 30, 31, अगर वो चीज गुड फेथ में कर रहे हैं, कोई भी अटीरियर मोटिव नहीं है, कोई भी इंटेंशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने भले चाहे कुछ भी किया हो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, उनको उनका कुछ भी किया हुआ अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, बट गुड फेथ इज द रिक्वायरमेंट। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर मिलिट्री भी आ जाती है, नेवल फोर्सेस भी आ जाती हैं, एयर फोर्सेस भी आ जाती हैं, बाकी की सारी जो भी सेंट्रल फोर्सेस हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। अब मुझे बता दो बच्चे, क्या सेक्शन 132 क्लियर है सभी लोगों को? यस बोल देंगे बच्चे सर। ये सर, हाँ जी सर, हाँ सर, ये जो जो भी ऑफिसर है आर्म फोर्स का या जो भी मेंबर है आर्म फोर्स का, ये कोई भी एक्ट गुड फेथ में नहीं करता है और उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, इस कंडीशन में भी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। बिल्कुल लेना होगा, वो तो एब्सोल्यूट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तो परमिशन लेनी ही लेनी है। सबसेक्शन 2 का पर्पस है कि उस चीज को अपराध ही नहीं मानेंगे, जब अपराध ही नहीं मानेंगे तो एक्शन ही नहीं ले सकते। अगर कोई भी चीज गुड फेथ में है ना तो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल ही नहीं कर सकते। गुड फेथ में नहीं है तो आप फाइल कर सकते हो अगर आप ऐसा एलिगेशन लगा रहे हो, पर आपको परमिशन चाहिए होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है सर, गवर्नमेंट तो परमिशन देगी ही नहीं। नहीं बिल्कुल देगी नहीं, नहीं सर, गवर्नमेंट नहीं तो करवा रहा है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसी बातें नहीं बोल सकते हम लोग। देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उसकी लीडरशिप है, उसके पास ये पावर है कि वो सारी चीजों को, ऐसा नहीं है किसी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बैठ के ऑटोक्रेटिक वे में चीजों को डिसाइड कर रहा है। नहीं, हम लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट है, हर एक चीज प्रोसीजर के अनुसार होती है, और जब भी ऐसी कोई प्रक्रिया कोर्ट के सामने आती है या फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट मांगी जाती है तो वो उसको प्रॉपरली कंसीडर करेगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। और सारी चीजों को समझने के बाद अगर कोई भी ऐसी चीज उसके सामने आएगी कि जहां पर कुछ गलती हुई है, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, तो वो उसके बारे में परमिशन भी देगी, तो उसके पास ये लिबर्टी है। ठीक है, चलो अब जो बच्चे अगला जो हमारा डिस्कशन है, अब जो हमारा नया डिस्कशन शुरू होगा फ्रॉम सेक्शन 133 अप टिल सेक्शन 144A मैं आपको नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक पढ़ाऊंगा। ये सारे के सारे सेक्शंस हैं पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। अब ये पब्लिक न्यूसेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉड है। अब ये जो न्यूसेंस शब्द है ना, इसमें काफी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, काफी पर्सपेक्टिव इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देना, और मैं चाहूंगा कि आप अपने दिमाग को लिमिट ना करो। सबसे अच्छी अप्रोच इन सेक्शंस के बारे में यही है कि बारी बारी से ये नया नया खुलासा करेंगे हर एक सेक्शन के साथ, उस खुलासे को समझते चलो, नोट्स में लिखते चलो, बहुत ज्यादा डिटेल्स में फंसने की जरूरत नहीं है। बस हर एक सेक्शन का एक जिस्ट है, जिस्ट होता है 4-5 शब्दों का, बस उतना अपने नोट्स में लिखते चलो, अपने दिमाग में डालते चलो, उतना काफी है। जब कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा कि हाँ इस पे हमको बहुत खासा ध्यान देना है, मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा, तब तक आप बस ध्यान से सुनते रहो, समझते रहो। बात करेंगे पब्लिक न्यूसेंस की, तो अपने नोट्स में एक लाइन छोड़ दो, दो लाइन छोड़ दो, पब्लिक न्यूसेंस की हेडिंग डाल दो और लिखो सेक्शन 133।
यहां पे बात हो रही है कंडीशनल ऑर्डर की, किसकी? कंडीशनल ऑर्डर की। और ये कंडीशनल ऑर्डर किसके बारे में है? न्यूसेंस को रिमूव करने के बारे में। देखो क्या बोला जा रहा है कि जब भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ध्यान से देखना बच्चे, अब अथॉरिटीज बदल जाएंगी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्पेसिफिकली एम्पावर किया गया है इस चीज के बारे में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उसके पास कोई भी रिपोर्ट आती है किसी पुलिस ऑफिसर से या उसको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है या कोई भी एविडेंस उसके सामने ऐसा निकल के आता है, ठीक है, जैसा उसको ठीक लगे, किस बारे में है ये रिपोर्ट, किस बारे में है ये इंफॉर्मेशन, किस बारे में है ये एविडेंस कि कोई भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर नुइसेंस को रिमूव करना जरूरी है किसी भी पब्लिक प्लेस से या किसी भी रास्ते से, किसी भी नदी से, किसी भी चैनल से, जिसको लॉफुली इस्तेमाल किया जा सकता है पब्लिक के द्वारा। तो मतलब अगर कभी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि वो ऐसी चीजों के बारे में एक्शन ले सकता है, अगर उसके बारे में ऐसी पुलिस के द्वारा रिपोर्ट आई है या उसको कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे कोई भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया गया है, किसी भी तरीके की गैर कानूनी वादा क्रिएट की गई है, तो उसके बारे में वो कुछ करेगा। या फिर किसी भी ट्रेड और ऑक्यूपेशन का, मतलब किसी भी बिजनेस का जिस तरीके से उसको किया जा रहा है या फिर किसी भी सामान या चीजों को रखने की वजह से इंजरी हो सकती है हेल्थ को या फिजिकल कंफर्ट को किसी भी कम्युनिटी के, मतलब कोई भी ऐसा व्यापार किया जा रहा है, कोई भी ऐसा बिजनेस किया जा रहा है, कोई भी ऐसा सामान किसी जगह पर रखा जा रहा है जिसकी वजह से जनता की हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, उनके कंफर्ट को नुकसान पहुंच सकता है, उनको परेशानी आ सकती है, और ऐसा है कि ये जो ट्रेड और ऑक्यूपेशन है उसको प्रोहिबिट किया जाना चाहिए, उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, ये जो गुड्स हैं, ये जो मर्चेंडाइज हैं, इसको रिमूव किया जाना चाहिए या कम से कम उन पर रेगुलेशंस लगाए जाने चाहिए इनमें से कोई भी ऐसी परिस्थिति बन रही है, या फिर किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर कोई भी ऐसी चीज का डिस्पोजल हो रहा है जिसकी वजह से कोई भी धमाका हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है जिसको रोकना जरूरी है, स्टॉप करना जरूरी है, या फिर कोई भी ऐसी बिल्डिंग है, कोई भी टेंट है, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी पेड़ है, वो ऐसी कंडीशन में है कि वो कभी भी गिर सकता है जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है लोगों को जो उसमें रह रहे हैं, जो उसके आसपास व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर कोई बिल्डिंग है जिसके रिमूवल की वजह से, जिसके रिपेयर की वजह से या इसके सपोर्ट की वजह से ये जो टेंट है इसको नुकसान पहुंच सकता है और ये जरूरी हो गया है कि ऐसी चीज को या तो हटाया जाए, उसको रिमूव किया जाए या उसको सपोर्ट दिलवाई जाए जिससे किसी को चोट ना पहुंचे, ऐसी कोई परिस्थिति हो गई है, या फिर कोई भी ऐसा टैंक है, कोई भी ऐसा कुआं है, कोई भी ऐसे कूड़े वाली जगह है, किसी भी ऐसी जगह से, रास्ते से, कोई भी पब्लिक प्लेस पे जिसको ढका जाना चाहिए जिससे कि किसी भी तरीके का डेंजर ना हो पब्लिक को, या फिर कोई भी ऐसा डेंजरस खतरनाक एनिमल है जिसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, पकड़ना जरूरी है या डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है, अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति बन रही है, जो मैंने सारी कंडीशंस पढ़ाई आपको, इनमें से कोई भी स्थिति या कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो ये जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है, वो कंडीशनल ऑर्डर जारी कर सकते हैं जिसके तहत वो बोलेंगे कि वो जो व्यक्ति है जो ये ऑब्स्ट्रक्शन या न्यूसेंस कर रहा है या वो जो ट्रेड कर रहा है, ऑक्यूपेशन कर रहा है या फिर वो जो सामान रख रहा है जिसको वो ओन करता है, पोजेस करता है, या फिर वो जो बिल्डिंग है, टेंट है,
स्ट्रक्चर है, सब्सटेंस है, टैंक है, वेल है, उसका जो मालिक है जिसके कब्जे में वो है, या फिर वो जो जानवर है जिसका वो जानवर है, ऐसा ऑर्डर जारी कर सकता है कि एक निश्चित समय के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन को या न्यूसेंस को हटाया जाएगा, ऐसे व्यापार को करने से बचा जाएगा, ऐसे गुड्स एंड मर्चेंडाइज को हटाया जाएगा, उस जगह से रास्ता खोला जाएगा, जैसा भी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा बोला जाए। ऐसी जो भी बिल्डिंग है जो खतरनाक बन गई है, उसका कंस्ट्रक्शन रोका जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। किसी भी ऐसी बिल्डिंग को जो गिर सकती है उसको रिमूव किया जाएगा, उसको रिपेयर किया जाएगा अगर जरूरी है, या अगर उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी ऐसा टैंक है, कोई भी ऐसा वेल है जो नुकसान पहुंचा सकता है, उसको ढका जाएगा, उसको फेंस करा जाएगा, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा डेंजरस एनिमल है जिससे खतरा बन रहा है, ऐसे एनिमल को खत्म किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा या पकड़ा जाएगा, ठीक है। ऐसे इन सब चीजों के बारे में हमारा जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो कंडीशनल ऑर्डर जारी कर सकता है, ठीक है। और अगर ये जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ ये कंडीशनल ऑर्डर जारी किया गया है, जिसको बोला गया है कि भाई आप ये सब हटाओ, सामान हटाओ, व्यापार बंद करो, बिल्डिंग सही करो, जानवर को हटाओ, ये जो है, अगर वो कोई भी ऑब्जेक्शन लेता है इस कंडीशनल ऑर्डर के खिलाफ, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलेगा कि आप मेरे सामने अपीयर हो, या फिर किसी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो जो मेरा सबोर्डिनेट है, उस समय पर, उस जगह पर जो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, और वजह बताएं कि ऐसा ऑर्डर, जो कंडीशनल ऑर्डर आपके खिलाफ जारी किया गया है, उसको एब्सोल्यूट क्यों ना बनाया जाए। उसको मौका देगा अपनी बात रखने का। कहने का मतलब है, एक ऐसी परिस्थिति जहां पर इनमें से कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही हो, जो भी सारी परिस्थितियां हमने पढ़ी, वहां पर हमारा जो मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो एक कंडीशनल ऑर्डर जारी कर रहा है, जिसमें बोल रहा है कि इतने समय के अंदर आपको ये चीज करना बंद करना होगा। तो उस कंडीशनल ऑर्डर को तो तुरंत कंप्लाई करना है। अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन ले रहा है कि ये ऑर्डर मेरे खिलाफ गलत आ गया है, कुछ चीज समझने में दिक्कत हो गई या कोई और बात है, और वो अपनी बात को सामने रखना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलेगा कि आप उसी ऑर्डर के अंदर लिखेगा, कंडीशनल ऑर्डर के अंदर, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप मेरे सामने आए और जो भी बात है उसको रखें, और वजह बताएं कि ये जो कंडीशनल ऑर्डर मैंने आपके खिलाफ जारी किया है, टेम्परेरी ऑर्डर जो आपके खिलाफ जारी किया है, इसको मैं परमानेंट क्यों ना बनाऊं, एब्सोल्यूट क्यों ना बनाऊं। तो उसको एक मौका देगा, ठीक है। जो भी, फिर आता है सबसेक्शन टू, जो भी ऑर्डर जारी किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा इस सेक्शन के अंदर, उसको कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर। कोई भी ये व्यक्ति, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे जो भी हो, जो इतने सारे लोग हैं, चाहे जानवर का मालिक हो, उसका कोई भी नफा नुकसान हुआ हो इस ऑर्डर की वजह से, वो उस नफा नुकसान को रिकवर करने के लिए किसी भी परिस्थिति में सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ। तो मजिस्ट्रेट जो भी एक्शन लेगा अंडर सबसेक्शन 1, कंडीशनल ऑर्डर जारी करेगा जिस भी व्यक्ति खिलाफ, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। किससे? सिविल प्रोसीडिंग से। उसके खिलाफ कोई भी सिविल केस फाइल नहीं किया जा सकेगा। फिर आता है एक्सप्लेनेशन। पब्लिक प्लेस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पब्लिक प्लेस का मतलब है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो या तो राज्य की है, स्टेट की है, कोई भी ऐसा ग्राउंड जो अनऑक्यूपाइड है सैनिटरी या रिक्रिएटिव पर्पसेस के लिए। मतलब इन सब चीजों में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक प्लेस मतलब एक ऐसी चीज जो सार्वजनिक जगह है, जहां पे सब लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 133 का पर्पस क्या है? सेक्शन 133 का पर्पस ये है कि ये कुछ स्पेसिफाइड मजिस्ट्रेट्स को, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, SDM भी हो सकता है, या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने इस बारे में पावर दी हो, उनको ये पावर दे रहा है कि अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति बने, जो मैंने आपको 7-8 परिस्थितियां बताई, इनमें से कोई भी परिस्थिति बने
और ऐसा जरूरी हो जाए कि उस चीज को रोकना या उस चीज को ठीक करना जरूरी है, तो उस चीज को रोकने के लिए, ठीक करने के लिए वो कंडीशनल ऑर्डर जारी कर सकता है, और उस कंडीशनल ऑर्डर के अंदर उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ वो ऑर्डर जारी किया गया है उसको बोल सकता है कि आप हमारे सामने आके अपनी बात को रख सकते हो और बता सकते हो कि इस कंडीशनल ऑर्डर को एब्सोल्यूट क्यों ना बनाया जाए, और जो भी एक्शन हमारे मजिस्ट्रेट साहब लेंगे सबसेक्शन 1 के अंदर उसके बारे में भले ही कोई भी नुकसान हुआ हो किसी भी व्यक्ति का, वो सिविल कोर्ट नहीं जा सकता है। ठीक है बच्चे, बता दो फटाफट से, क्या सेक्शन 133 हम सभी लोगों को समझ में आ गया है? यस बोलेंगे सभी लोग? यस सर, क्लियर है। चलो अगला जो बच्चे हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 134, और यहाँ पे बात हो रही है सर्विस या फिर नोटिफिकेशन की। किसके नोटिफिकेशन की? ऑर्डर के नोटिफिकेशन की। यहाँ पे देख लिए जुड़ा हुआ है सेक्शन 133 से ही। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो ऑर्डर है अगर ऐसा प्रैक्टिकेबल हो इसको सर्व किया जाएगा उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ वो जारी किया गया है इस तरीके से जैसे किसी सम्मन को सर्व करते हैं, जैसे किसी सम्मन को सर्विस करते हैं ना हम लोग, जो हमने पढ़ा था बच्चे सम्मन के रूल पढ़े थे सीआरपीसी के अंदर, आपको याद होगा जिस तरीके से कोई भी सम्मन सर्व किया जाता है उसी तरीके से अगर ऐसा करना प्रैक्टिकेबल हो, इतना अगर हमारे पास समय हो तो उसकी सर्विस एक सम्मन के समान ही कराई जानी चाहिए जिससे उस तक वो जानकारी पहुंच जाए। पर अगर वो सर्व, वो जो ऑर्डर है जो उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया गया है वो सर्व नहीं हो पाया है, तो ऐसी स्थिति में उस ऑर्डर को नोटिफाई किया जा सकता है एक प्रोक्लेमेशन के द्वारा, या उसको पब्लिश किया जा सकता है इस तरीके से जो भी स्टेट गवर्नमेंट तरीका बताए उसके अनुसार, जो अपने वो रूल्स के हिसाब से बना सकती है, और उस ऑर्डर की एक कॉपी चिपकाई जा सकती है ऐसी जगह पर या जगहों पर जिसके बारे में, जिससे जुड़ा हुआ वो ऑर्डर है। तो कहने का मतलब है पहले तो कोशिश करेंगे कि उस ऑर्डर को सर्विस कर दें, उस व्यक्ति तक पहुंचा दें, पर किसी भी व्यक्ति वजह से अगर वो ऑर्डर नहीं पहुंच पा रहा है तो जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए होंगे ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो उस ऑर्डर को पब्लिश भी करा सकते हैं न्यूज़पेपर में या फिर ऐसी जगह पर, या उसके बारे में घोषणाएं भी कर सकते हैं जगह जगह पर जाकर, या फिर अगर जरूरी पड़े तो उसके उस नोटिस को चिपका के भी आ सकते हैं उस प्रॉपर्टी पर जिससे जुड़ा हुआ वो ऑर्डर है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होंगे जिससे उस व्यक्ति को हमको इन्फॉर्मेशन, ये वही बात है बच्चे जो हमने सम्मन के अंदर पढ़ा ना, वही चीज है, दोबारा इसमें बहुत ज्यादा दिमाग डालने की जरूरत नहीं है। फिर आता है बच्चे हमारा सेक्शन 135। हमारा जो सेक्शन 135 है वो नेक्स्ट लेवल है। क्यों? यहां पे उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसके खिलाफ वो ऑर्डर जारी किया गया है, और उसको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ओबे करने के और शो कॉज दिखाने के। वो जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ ऑर्डर जारी किया गया है वो वाद्य होगा, शैल लिखा हुआ है बच्चे, वो वाद्य होगा परफॉर्म करने के लिए उस निश्चित समय में, जो निश्चित समय उस ऑर्डर के अंदर बताया गया है उस चीज को करने के लिए जो भी उसको करने के लिए बोला जा रहा है उस ऑर्डर के अंदर, या फिर एपियर होने के लिए उस ऑर्डर के अनुसार और वजह बताने के लिए कि उसके खिलाफ वो ऑर्डर जारी क्यों नहीं करना चाहिए। तो मतलब जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ ऑर्डर जारी करा गया है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा सेक्शन 133 के अंदर, उसके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन यह है कि इस ऑर्डर को स्वीकार कर ले और जो भी उसको बोला जा रहा है उस ऑर्डर के तहत करने के लिए उस निश्चित समय के अंदर, जितना समय दिया गया है उस ऑर्डर के अंदर, उसको पूरा करे, या फिर अगर उसके पास कहने के लिए कुछ है तो जैसा कि मैंने बताया जब भी कंडीशनल ऑर्डर जारी करेगा मजिस्ट्रेट उसमें बताएगा कि अगर वो कुछ कहना चाहता है तो उसको सामने वो पेश हो सकता है उस तारीख को उस समय पर जो भी बताया हो उस ऑर्डर के अंदर, तो उस ऑर्डर के अनुसार वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और अपनी बात आगे रखेगा और जो भी वो कहना चाहता है उसको कहेगा, फिर उसको सुनने के बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उसकी बात को सुनना है या फिर उस ऑर्डर को एब्सोल्यूट बना देना है। तो हर एक व्यक्ति जिसके खिलाफ ऑर्डर जारी किया है उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसे इन दोनों में से कोई एक एक्शन तुरंत लेना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे?
34-35 क्लियर है सभी लोगों को? यस बोल दो फटाफट से। यस सर। सर 34 में जैसे दे रखा है द ऑर्डर शैल इफ प्रैक्टिकेबल, मतलब इफ प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या है इसमें? प्रैक्टिकेबल का मतलब है, देखो देखो बच्चे, सम्मन की जो प्रक्रिया है अगर आपको याद होगी जब हमने सीआरपीसी के अंदर पढ़ी थी, वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें पूरा प्रोसीजर है। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे नहीं हो पा रहा तो ऐसा कर सकते हो, तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर जिसमें समय लगता है, ठीक है, सम्मन के हिसाब से अगर हम सर्विस करना चाहेंगे तो। वही बात बोली जा रही है कि आप सम्मन की तरह सर्व कर सकते हो अगर ऐसा पॉसिबल है, पर ऐसा करना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, कोई चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है लोगों को और इमीडिएट एक्शन की जरूरी है, तो सम्मन की पूरी प्रक्रिया जो हमने पढ़ी है सीआरपीसी के अंदर उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो भी सबसे आसान तरीका है उस ऑर्डर को उस व्यक्ति तक पहुंचाने का, वैसे पहुंचा दो, और फिर भी नहीं पहुंच पाता है तो सबसेक्शन 2 में लिखा है क्या करना है। समझ आ गया सर? मतलब उसे अगर पता भी ना चले उससे पहले भी उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है। हमारा बस अपनी तरफ से, हमको गुड फेथ रखना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि उस व्यक्ति तक जानकारी पहुंचे, ठीक है? ओके सर। अब आ जाओ बच्चे सेक्शन 136 के, और सेक्शन 136 में 135 का कॉन्सिक्वेंस बताया, क्योंकि 135 में हमने दो ऑप्शन दे दिए उस व्यक्ति को। अब यहां पे बताएं उसके कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर वो ऐसा करने में, मतलब 135 को कंप्लाई करने में फेल हो जाए तो, अगर ये जो व्यक्ति है वो उस चीज को परफॉर्म नहीं करता है जिसको करने के लिए उसे बोला गया है, या फिर मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर नहीं होता है, वजह नहीं बताता है कि उसके उसका ये जो ऑर्डर है उसको एब्सोल्यूट क्यों नहीं बनाना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में ये जो व्यक्ति है ये लायबल होगा पेनल्टी के लिए, जो भी सेक्शन 188 के द्वारा उस पर लगाई जा सकती है इंडियन पीनल कोड के। और ये जो ऑर्डर है जो उसके खिलाफ जारी किया गया था कंडीशनल, उसको भी एब्सोल्यूट बना दिया जाएगा। तो मतलब अगर आपके खिलाफ ऑर्डर जारी किया गया है 133 के अंदर और आप 135 के अंदर ना ही उसके उसको कंप्लाई करते हो, ना ही उसके अगेंस्ट मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होते हो, तो उस ऑर्डर को तो एब्सोल्यूट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप पे पेनल्टी भी लगाएंगे जो हमारा सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी बताता है। कौन सा सेक्शन? 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब सेक्शन 188 पे फटाफट से नजर मार लें। सेक्शन 188 बात करता है डिसऑबिडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमुलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, मतलब एक ऐसी परिस्थिति के बारे में जहां पर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा दिया गया ऑर्डर मानता नहीं है, उसकी अवहेलना करता है, तो उसको उसके अनुसार सजा का प्रावधान है, सजा दी जा सकती है। फटाफट से देख लेते हैं क्या सजा है, क्या प्रावधान है, ठीक है? हमारा जो, हाँ, इसमें जो सजा है वो हो सकती है सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 rupees और विद बोथ। इसका एक सीरियस नेचर भी है। इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 महीना और विद फाइन जो 1000 rupees तक का हो सकता है, या फिर दोनों। तो कहने का मतलब है 1 महीना या 6 महीने की जेल तक इस व्यक्ति को की जा सकती है अगर वो सेक्शन 133 के अनुसार ऑर्डर को कंप्लाई ना करे। तो आप देख रहे हो कि ये कानूनी अपराध बन जाता है। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है सजा क्या हो रहा है, आप एक अपराधी हो जाते हो। अपराधी होना बहुत बड़ी बात है बच्चे, बहुत बुरी बात है। तो आप अपराधी हो जाते हो सेक्शन 188 के अनुसार ऑफ इंडियन पीनल कोड अगर आप ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करते, साथ ही साथ जो आपके खिलाफ ऑर्डर था वो भी एब्सोल्यूट हो जाता है, तो आप दोनों तरफ से मारे जाते हो। तो कोशिश करो कि कम से कम उस ऑर्डर को मान नहीं रहे तो कम से कम मजिस्ट्रेट के सामने तो अपीयर हो ही जाओ। अब आता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेक्शन, और ये इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है सेक्शन 137। यहां पर प्रोसीजर बताया गया है जब उस पब्लिक राइट को डिनाय किया जाता है। बड़ा बढ़िया है। जब भी मानो कोई ऑर्डर जारी किया गया है सेक्शन 133 के अंदर और वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन रोका जा रहा है, न्यूसेंस रोका जा रहा है या डेंजर रोका जा रहा है पब्लिक को किसी भी रास्ते
किसी भी रिवर, किसी भी चैनल या किसी भी जगह के इस्तेमाल से। जो ऑर्डर जारी, हमने कई तरीके पढ़े थे ना, कई वजह हो सकती है ऑर्डर जारी करने की, उसमें कुछ वजहें ऐसी थी जो यहां पे लिखी हुई हैं, जहां पे जनता को नुकसान हो रहा था क्योंकि कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रही थी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा था किसी रास्ते पर, किसी नदी पर या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पे। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो हमारा मजिस्ट्रेट है, अगर उसके सामने वो व्यक्ति अपीयर होता है जिसके खिलाफ 133 के अंदर ऑर्डर जारी किया था, मतलब 133 के अंदर ऑर्डर जारी किया, उसके रेस्पॉन्स में वो व्यक्ति अपीयर भी हो गया, ठीक है, जब वो व्यक्ति अपीयर होगा तो मजिस्ट्रेट उससे एक सवाल पूछेगा और वो सवाल ये होगा, क्या वो डिनाय करता है उस पब्लिक राइट का एग्जिस्टेंस जो उस रास्ते के बारे में है, जो उस नदी के बारे में है, जो उस चैनल के बारे में है, उस जो जगह के बारे में है। मतलब क्या वो ये स्टैंड लेना चाह रहा है कि जिस रास्ते के बारे में, जिस नदी के बारे में, जिस चैनल के बारे में, जिस प्लेस के बारे में ऑर्डर जारी किया गया है, असल में वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, असल में वो पब्लिक प्लेस नहीं है, वो उसकी प्राइवेट जगह है, क्या वो ऐसा स्टैंड लेना चाह रहा है? और अगर वो बोलता है हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मैं जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा हूं वो पब्लिक प्लेस ना होकर वो मेरी प्राइवेट प्लेस है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मजिस्ट्रेट है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो सेक्शन 138 के तहत बढ़ने से पहले, 138 अगला सेक्शन अभी बताऊंगा मैं आपको, वो इस चीज में सबसे पहले इंक्वायरी करेगा कि वो जो रास्ता है, वो जो नदी है, वो जो चैनल है या वो जो जगह है, उसका नेचर है क्या, मतलब जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी पब्लिक प्लेस पे हो रहा है या किसी की निजी जगह पे हो रहा है। जब वो इसके बारे में डिसीजन ले लेगा कि हाँ वो जो चीज है, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो जो न्यूसेंस है, वो किसी पब्लिक प्लेस से ही जुड़ी हुई है, वो जो रास्ता है वो एक पब्लिक नेचर का ही है, रिवर चैनल या प्लेस वो पब्लिक नेचर की ही है, तभी वो सेक्शन 138 के अंदर ऑर्डर जारी करेगा। तो कहने का मतलब ये है, सिचुएशन बहुत इजी सी है, सिचुएशन ऐसी है कि 133 के खिलाफ किसी, 133 के अंदर किसी व्यक्ति के खिलाफ ऑर्डर जारी किया और वो ऑर्डर किसी रास्ते से जुड़ा हुआ था, किसी नदी से, किसी चैनल से या फिर किसी जगह से, और आधार यह था कि वो पब्लिक प्लेस है और ऐसी प्लेस पे आप ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, इस आधार पर ऑर्डर जारी किया गया था। उस ऑर्डर के रेस्पॉन्स में वो व्यक्ति कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हुआ। जैसे ही वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हुआ, मजिस्ट्रेट उससे पहला सवाल पूछेगा, क्या आप इस जगह का जिसके बारे में आपके खिलाफ ऑर्डर जारी किया गया है, क्या उसका पब्लिक नेचर चैलेंज करना चाहते हो, क्या आप ये कहना चाहते हो कि वो पब्लिक नेचर का नहीं है? अगर वो व्यक्ति कहता है हाँ, उसके डिफेंस का आधार यही है कि वो ये साबित करना चाह रहा है कि जिस चीज के बारे में ऑर्डर है वो एक पब्लिक जगह नहीं है, वो एक प्राइवेट जगह है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की यही होगी कि वो इसके बारे में अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कि जिस जगह के बारे में, जिस रास्ते के बारे में, जिस नदी के बारे में, जिस चैनल के बारे में, जिस जगह के बारे में उसने ऑर्डर जारी किया था सेक्शन 133 के अंदर, क्या वो सच में पब्लिक नेचर की है या प्राइवेट नेचर की है। जब इसके बारे में वो डिसीजन पे पहुंचेगा तभी इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है। अभी तक इतनी कहानी पढ़ी हम, फिर इसका, हाँ बच्चे, सर मान लो, वैसे बड़ा थ्योरेटिकल है कि वो बंदा जैसे बोल के आता है कि वो प्राइवेट मेरी है प्रॉपर्टी, पर वो होती पब्लिक ही है, पर वो अगले दिन जाके उसे खरीद लेता है और प्राइवेट बना लेता है, तो फिर क्या होगा सर? अब देखो यहाँ पे एक हमारे बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है, यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी को खरीदेगा किससे? हु इज द ओनर ऑफ ए पब्लिक प्रॉपर्टी? गवर्नमेंट मोस्ट लाइकली। आसान नहीं है, है ना, किसी व्यक्ति से तो खरीद सकते हैं बट नदी खरीदना तो बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है चलो। हाँ, सर एक और क्वेश्चन था सर, सेक्शन 133 में सर जब उसमें बताया गया था कि मजिस्ट्रेट से आपको कुछ भी पता चलता है, रिपोर्ट पुलिस
फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर, और उसके बाद लिखा होता है और अदर इन्फॉर्मेशन, तो जो और अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही होना चाहिए या किसी के द्वारा? किसी के भी द्वारा, मतलब कहने का मतलब ये है कि बंधा हुआ नहीं है मजिस्ट्रेट, उसको किसी भी जगह से किसी भी सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो चाहे पुलिस से आ रही हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो सुओ मोटो क्यों ना हो, उसको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है तो वो उसके बारे में ऑर्डर जारी कर सकता है, काफी ब्रॉड पावर है। ठीक है, चलो अब आ जाओ बच्चे सबसेक्शन टू पे। सबसेक्शन टू के अंदर बोला जा रहा है कि अगर इस इंक्वायरी के अंदर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो ये फाइंड करते हैं कि कोई रिलायबल एविडेंस है इस डिनायल के सपोर्ट में, मतलब वो जो व्यक्ति कह रहा है कि इस जगह का जिसके बारे में ऑर्डर जारी किया गया है उसका पब्लिक नेचर नहीं है, और वो केवल कह नहीं रहा उसके बारे में उसके पास कोई एविडेंस भी है जिसपे भरोसा किया जा सकता है, तो ये जो हमारा मजिस्ट्रेट है उसकी ये जिम्मेदारी होगी, वो वाद्य होगा कि वो तुरंत के तुरंत उस प्रक्रिया को रोक देगा, और जब तक कि पूरी तरीके से वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि उस चीज का नेचर है क्या, और उसको डिसाइड कौन करेगा, कॉम्पिटेंट कोर्ट, जब तक वो बात किसी कोर्ट के द्वारा डिसाइड ना कर दी जाए कि असल में उस चीज का उस जगह का स्टेटस क्या है, तब तक वो उस प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ेगा और उस कंडीशनल ऑर्डर को एब्सोल्यूट नहीं बनाएगा। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति ये डिफेंस ले रहा है और साथ के साथ उसके पास कोई रिलायबल एविडेंस भी है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट की बस एक ही ऑप्शन है कि उस पूरी प्रक्रिया को खत्म करे, रोके, वहीं के वहीं पॉज करे और कोर्ट का इंतजार करे कि जब तक वो उस बात पे डिसाइड नहीं करती कि उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल में नेचर क्या है, तब तक वो प्रोसीडिंग्स रुकी रहेंगी उसके एंड पर, मजिस्ट्रेट के एंड पर, और जैसा भी कोर्ट डिसाइड करेगा उस हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। पर कोई व्यक्ति डिफेंस तो ले रहा है पर उसके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे वो ये दिखा पा रहा हो कि उसका पब्लिक नेचर नहीं है, तो उसके डिफेंस को वो इग्नोर कर सकता है और वो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है सेक्शन 138 के अनुसार। तो कहने का मतलब है डिफेंस तो ले लोगे आप सबसेक्शन 1 के अंदर, फिर सबसेक्शन 2 के अंदर बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस बात पर कि वो जो व्यक्ति या डिफेंस ले रहा है उसके पास कोई एविडेंस है या नहीं उसके बारे में। अगर उसके पास कोई रिलायबल एविडेंस है तो मजिस्ट्रेट उस चीज को रोक देगा और कॉम्पिटेंट कोर्ट को डिसीजन लेने का मौका देगा कि वही डिसाइड करे कि व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटस ऑफ दिस प्रॉपर्टी और उसके हिसाब से उसको डिस्पर्स करे। बट अगर कोई भी रिलायबल एविडेंस नहीं है तो केवल कह देने से कि मैं इसको चैलेंज करता हूं उसका कोई फायदा नहीं होगा और जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी प्रक्रिया को पूरे करने के लिए आगे बढ़ सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा इसका सबसेक्शन 3। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको क्वेश्चन किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा सबसेक्शन 1 के अंदर और वो व्यक्ति उस समय पर ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, वो ये बात को नहीं कहता, उस बात को डिनाई नहीं करता कि वो पब्लिक राइट है, ठीक है, या फिर उसने ऑब्जेक्शन तो लिया, उसने डिनाई तो किया पर उसके बारे में कोई भी वो रिलायबल एविडेंस पेश नहीं कर पाया, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो व्यक्ति है आगे चलकर कभी भी इस प्रोसीडिंग्स के अंदर इसी ऑब्जेक्शन को दोबारा नहीं ले पाएगा। कहने का मतलब है कि सबसेक्शन 1 के अंदर मजिस्ट्रेट ने पूछा कि आप डिनाई करना चाहते हो उसका पब्लिक नेचर, उसने बोला नहीं, या फिर उसने बोला हाँ मैं डिनाई करना चाहता हूं, पर सबसेक्शन 2 के अंदर वो कोई भी रिलायबल एविडेंस नहीं ला पाया। इन दोनों ही परिस्थितियों में आगे चलकर वो ये वाला ऑब्जेक्शन कि मैं पब्लिक नेचर को डिनाय करना चाहता हूं इसको वो नहीं कर सकेगा, वो बात वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जहां तक बात हमारे सेक्शन 137 की है, सेक्शन 137 के अंदर स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन की कि जहां पर ऑर्डर जारी किया गया है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में और उस ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा है,
और चैलेंज करने का आधार यह है कि उसके पब्लिक नेचर को क्वेश्चन किया जा रहा है। तो अगर पब्लिक नेचर को क्वेश्चन किया जा रहा है तो हमारा मजिस्ट्रेट साहब कंसीडर करेंगे कि उस व्यक्ति के पास कोई उसके लिए रिलायबल एविडेंस है या नहीं। अगर रिलायबल एविडेंस है तो वो प्रोसीडिंग्स को रोक देंगे और कॉम्पिटेंट कोर्ट को मौका देंगे डिसाइड करने के लिए उसका लीगल स्टेटस। बट अगर कोई भी रिलायबल एविडेंस नहीं है तो वो 138 की प्रक्रिया के अनुसार जो हम पढ़ेंगे आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कार्यवाही को पूरा कर सकते हैं। पर अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने शुरू में ऑब्जेक्शन नहीं लिया, पब्लिक नेचर को चैलेंज नहीं किया, या फिर उसने चैलेंज किया था पर वो कोई एविडेंस नहीं ला पाया, तो वो अपनी इस चीज से वाद्य होगा और वो आगे चल के सेम ऑब्जेक्शन मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले सकेगा। क्लियर है बच्चे? सेक्शन 137 सभी लोगों को यस बोल दो फटाफट से। यस सर। हाँ यस सर। अब दिमाग का दही हुआ है कि अभी नहीं हो पाया है? हुआ है, हल्का हल्का हो रहा है। सर नोट्स में फॉलो अप नहीं हो पा रहा, काफी फास्ट चल रहा है। जरूरी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बता दूंगा जब भी कोई ऐसा सेक्शन आएगा जिसको आपको उतारना जरूरी है, मैं आपको पूरा समय दूंगा। ये इतना नहीं है, इतना यहाँ पे तो अभी आपका बस पर्पस इतना होना चाहिए कि हर एक चीज समझ में आ जाए और नोट्स में बस इतना लिख लो। अगर इसकी केवल हेडिंग भी लिख रहे हो ना उतना काफी है, ठीक है। इसके नोट्स बन भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े सेक्शन के क्या नोट्स बनाओगे, रजिस्टर भर भर के भर जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में बच्चे 9 बजे मैं सेक्शन 138 से कंटिन्यू करूंगा और आपको 144 तक लेके जाऊंगा। सर ऑलरेडी 2 रजिस्टर भर गया सर सीआरपीसी का। सीआरपीसी देखो ये बहुत पता है, मैं आप सभी लोगों को बताऊं, ये जो भर रहा है ना ये आपको जिंदगी भर हेल्प करेगा, जिंदगी भर। ये आपकी सबसे अच्छी वो है जो आपको एक बहुत मतलब आपकी प्रिपरेशन के दिनों में नहीं, मैंने ऐसा लोगों को देखा है जो बहुत उनको जॉब करते करते मतलब जज बने, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, और वो आज भी अपने नोट्स को याद भी करते हैं और रिफर भी करते हैं। तो ये आपकी मेहनत कभी खराब नहीं होगी, इट विल बी अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर योर एंटायर जर्नी, ठीक है। चलो बच्चे मिले 9 बजे मिले, रेस्ट करो आप तब तक थोड़ा, ठीक है। आई विल सी यू, बाय बाय। बाय 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 सर। बाय बाय।